अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आजी पिजन। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। तो जी चलें जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी सुबह का टाइम है, दूसरा गेट मैंने खोल दिया तो सोचा कि ये परिंदों को मैं दोस्तों को भी दिखा दूँ। ये जुड़ने जोड़ा बना रहे हैं कबूतरी जो हमारी उड़ती हुई थी इसके पर नए करने के लिए। तो ये कबूतर है, इसकी कबूतरी जो थी ब्लैक आइज में सेल हो गई है, अब ये वाइट वाइट आइज वाली बनाएंगे इसके साथ। तो जी ये अपने लक्के अंडे नहीं दे रहे, ये सराजी इन्होंने भी अंडे नहीं दिए, सेंटर ने अंडे दिए हुए हैं। देखिए जी सही है। तो जी आज माशाल्लाह से हमने रात में कबूतर पकड़ा था, मैं दिखा नहीं सका तो वो आपको पहले शौक कराते हैं फिर मैं इसकी स्टोरी बनाती हूँ। ये रहे जी देखिए जी, ये कबूतर पकड़ा था जी रात में हमने आज, तो पता नहीं अब कैसा है कैसा नहीं, पर इसके मुंह पे ना दाना सा बना हुआ है, बाकी एक्टिव तो है पर इसके मुंह पे दाग सा है। मैं क्लोज करके दिखाता हूँ, ये देखिए इसका मुंह हो गया ख़राब। तो इसका भी हल सोचना है और इसका हल करना भी है। मेरे ख्याल से इस पर लहसुन लगाते रहे ना, लहसुन जो होता है घर में तो आपके इसके मुँह पर मारते रहें लहसुन, तो ये इंशाल्लाह से ठीक हो जाएगा। तो बाकी ये देखें जी सही है। तो बाकी कबूतर केज के अंदर है, ये हमारा दोगला लक्का, इसमें लक्कों वाली कोई बात नहीं है। और हमारा बेबी पिजन भी काफ़ी बड़ा हो गया, वो भी बाहर आने वाला हो गया होगा, बाहर आता होगा शायद, तो आज उसको भी बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल के फिर मैं वीडियो देखते हैं जी, भाई निकालते हैं ऐसे ही ट्राई करता हूँ। तो ये जी नहीं आ रहे यहाँ से भाई, तो इधर से नहीं पता चले जाएगा ऐसे कि सुबह हो क्यों भाई लाने वाले। तो ये जी लो जी वारी को दोस्तों, वीडियो के अंदर ही लाइव देखें जी, पहला बच्चा निकला है इस ब्लैक कबूतर का। ये जी तो बच्चा देखने के लिए अंदर जाना पड़ेगा, अंदर मैं जा नहीं सकता, कपड़ों से स्मेल आएगी तो मम्मा बोलेगी। वो उधर जी बच्चों को दाना दिया जा रहा है, देखिए मैं रूम करके दिखाता हूँ। और ये देखिए जी बच्चों को दाना दे रहे हैं कबूतरी, और इसका नर भाई घूम रहा है खाने खाने के लिए। तो ये देखिए जी आप लोग, ये नर इसका नीचे है ठीक है जी। और एक ये कबूतर है, इसके पर खुले हुए हैं, अभी पकड़ा था पता नहीं मेरे ख्याल से शायद, तो इसको भाई ने खोल दिया होगा पता नहीं, मुझे पता ही नहीं है क्योंकि मैं छत पे नहीं आता। ये वाइट वाला येलो आइज में इसकी वीडियो मैंने अपलोड नहीं की, बनी पड़ी हुई है, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा कि इसको कैसे पकड़ा था। तो शायद इस वीडियो से पहले वो वीडियो मैं अपलोड कर दूँ, शायद मैं ये कर दूँ ठीक है जी। तो ये माशाल्लाह बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं इनके, दाना शाना दे रहे हैं, नज़र आया था मुझे काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो एक बच्चा तो बाहर भी आने वाला हो गया होगा, बाहर तो नहीं आया पर अब आ सकता है वो बाहर। तो बाकी ये कबूतरी देख लें अपनी अंडों में बैठी हुई है, ये बैठी हुई है एक, वो अपनी जो ब्लैक कबूतरी है काली वो उड़ती है, मैं उसका नर दिखाता हूँ आपको। ये जी उसका नर है, इसका आपको भी पता चल गया होगा, ये वाला नर है जिसका, इसकी जो कबूतरी है उसने भी अंडे दिए हुए हैं, अंडे बड़े छुपके दिए हुए हैं। ये देखें जी ये दाना दे रहा है उसको, कबूतर को अपने बच्चों को दाना दे रहा है। और ये जो छापदार वाली कबूतरी थी इसका अब जोड़ा बन गया इस रेड वाले कबूतर से, वो इसको छोड़ के भाग गया, तो इसका दिल टूट गया था, अब इसने उसे इससे पैचअप कर लिया। ये पहले भी इसके साथ थी थोड़ी बहुत पर नहीं। और ये जी सबसे बेवफा कबूतरी है जो ये लड़कियों को उसे भी आगे गई हुई है, ये जो येलो आइज है इसका जी, पहले इसके साथ था, इसने इसको छोड़ा, इसके साथ बनाया, फिर इसको भी छोड़ दिया, फिर एक और भाई रहा बेचारा एक इसके साथ बनाया, फिर इसको भी छोड़ दिया। अब जी इसका जोड़ा बना हुआ है ये जिसके साथ बैठा हुआ है इस कबूतर के साथ, और इसके साथ फेयर है इसके साथ, क्योंकि इसने अंडे भी दे दिए।
तो जरूरी नहीं है कि हर धोखा देने वाला इंसान किसी के साथ फेर ना हो, वो किसी ना किसी के एक इंसान के साथ तो हो ही जाता होगा, तो वो इसके साथ है। सही है जी। तो बाकी जी यही है जी, बाकी नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह मिलेंगे। तो लाइक फॉलो और शेयर करना तो ना भूलें यार, शेयर कर दो, सब्सक्राइब बढ़ा दो थोड़े से। चलें जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।